राइट द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व टू वाई इक्वल टू माइनस वन और वाई इक्वल टू में कॉस एक एक्स ये पूछ रहा है। चलिए देख लेते हैं, पहले y इक्वल टू कॉस एक एक्स का ग्राफ देख लेते हैं कैसा होगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, x x डैश y और ये y डैश। चलिए यहाँ पर ले लेते हैं पाई, इधर पाई बाई टू, इधर आप ले लेते हैं टू पाई, यहाँ थ्री पाई बाई टू, इधर भी चाहो तो आप ले सकते हो माइनस का पाई माइनस का टू पाई, काफी है इतना में ही पता चल जाएगा, माइनस पाई बाई टू माइनस थ्री पाई बाई टू। यहाँ पर वन ले लेते हैं और इधर माइनस का वन ले लेते हैं। कॉसेक एक्स के लिए जानते हैं ग्राफ जो होगा ऐसे होगा, इसका कर्व कुछ इस तरह से आएगा, ये वाई एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा और पाई बाई टू पे, पाई बाई टू पे वन हो जाएगा और फिर ये ऐसे हो जाएगा, फिर उसी तरह से नीचे की तरफ भी, इधर भी यहाँ पाई से टू पाई के बीच में रहेगा, पाई और टू पाई पे डिफाइन नहीं होगा, इसके बीच में रहेगा और यहाँ माइनस वन के सामने जाएगा। उसी तरह से इसके लिए भी आप देखोगे तो इसके लिए ये यहाँ आ जाएगा इस तरह से कुछ, ठीक है, और यहाँ माइनस टू पाई से पाई में ऐसे जाएगा इस तरह से। अच्छा, अगर हम लोग बात करें टू वाई इक्वल टू में माइनस वन लेंगे, वाई इक्वल टू माइनस वन बाई टू, तो माइनस वन बाई टू यहाँ पे ना होगा जी, यहाँ से जाएगा। तो क्या ये दोनों एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट करने वाले हैं? नहीं ना करने वाले, यानी कि जीरो इंटरसेक्शन होगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देख